हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत कम तेल का सूजी का चटपटा और टेस्टी नाश्ता। फ्रेंड्स, ये नाश्ता बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसको सुबह ब्रेकफास्ट में जब भी कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा है तो आप इसको बना के खा सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम मिक्सिंग बाउल लेंगे और ये मैंने यहाँ पर एक कटोरी सूजी ली है, सूजी इसमें डाल देते हैं। आधी कटोरी दही डालेंगे और ये मैंने यहाँ पर थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियाँ ले ली हैं, ये इसमें डाल देते हैं। एक तिहाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और आधी चम्मच नमक डालेंगे। नमक हमें हिसाब से ही डालना है क्योंकि हम स्टफिंग में भी नमक डालेंगे। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं दही के साथ। तो सारी चीज़ों को मैं दही के साथ मिक्स कर दिया है। तो एक कटोरी मैंने यहाँ पर पानी लिया है, तो पूरा पानी इसमें डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए, तो इसको अच्छे से ही फेंट लेंगे। तो बैटर हमारा भी थिक है, तो आधी कटोरी पानी और डाल देते हैं, यानी कि एक कटोरी सूजी, आधी कटोरी दही और डेढ़ कटोरी मैंने यहाँ पर पानी डाला है। और बैटर हमारा बन गया है, हमें बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी का इसका बैटर बनाना है। तो बैटर हमारा बन गया है, तो अभी हम इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, जब तक हम इसके लिए स्टफिंग बना लेते हैं। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो उसके लिए हम गैस ऑन करके एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम एक चम्मच ऑयल डालेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज नहीं करना है, सिर्फ एक चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें हम आधी चम्मच राई के दाने डाल देते हैं और इसको थोड़ा सा तड़का लेते हैं। राई अच्छे से तड़क गई है, तो ये मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज का प्याज ले लिया था। प्याज को मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है, ये इसमें डाल देते हैं और प्याज को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसमें थोड़े से मैंने यहाँ पर एक करी पत्ते ले लिए हैं, ये इसमें डाल देते हैं। करी पत्ते से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और इनको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं प्याज के साथ। और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो अब ये थोड़ा सा फ्राई हो चुका है, ये देखिए प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट ले लिया है, ये इसमें डाल देते हैं और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम प्याज को थोड़ा सा पूरी तरह से कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है। तो ये मैंने यहाँ पर 3 से 4 बॉइल्ड और मैश किए हुए आलू ले लिए हैं, आलूओं को इसमें डाल देते हैं। आलूओं को मैंने बारीक मैश किया है, आप चाहें तो इनको ग्रेट करके भी ले सकते हैं। तो इनको भी अच्छे से हम इस तरह से मसालों के साथ फ्राई कर देते हैं ऑयल के साथ। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, तो एक तिहाई चम्मच हल्दी का पाउडर डाल देते हैं, आधी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधी चम्मच धनिया का पाउडर डालेंगे और आधी चम्मच नमक डालेंगे। नमक हमें हिसाब से ही डालना है क्योंकि हमने बैटर में भी नमक डाला है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं आलूओं के साथ और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इस तरह से हम इनको मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि मसाले भी अच्छे से पक जाएँ और आलू भी हमारे अच्छे से थोड़े से क्रिस्पी हो जाएँ। इस तरह से इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे, तो इस तरह से स्टफिंग का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो ये देखिए स्टफिंग हमारी बन चुकी है, आप देख सकती हैं कितने बढ़िया लग रही है देखने में। तो अब हम इसमें लास्ट में थोड़ी सी धनिया की पत्तियां डाल देते हैं और इनको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। स्टफिंग हमारी बन गई है, तो अभी हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, गैस को हम ऑफ कर देते हैं। ये देखिए स्टफिंग अच्छे से ठंडी हो चुकी है, मैंने इसको बाहर निकाल दिया एक प्लेट में। अब हम क्या करेंगे, हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं, देखिए इस तरह से। और इस तरह की हम छोटी छोटी सी बॉल्स हम इसकी बना के तैयार कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से हमें इसकी बॉल्स बनानी हैं। तो इसी तरह से हम सारी बॉल्स बना बना के रख लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर कुछ बॉल्स इस तरह से बना के तैयार कर ली हैं। तो इधर देखिए सूजी को रखे हुए भी 10 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकती हैं सूजी अच्छे से फूल गई है, यानी कि हमें बिल्कुल इसी तरह की कंसिस्टेंसी की सूजी को बनाना है। तो सूजी हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, इस तरह का बैटर ये बनके तैयार हो गया है इस तरह से। तो अब मैंने यहाँ पर ये एक चम्मच ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है और ये मैंने यहाँ पर आधा चम्मच राई ले ली है, राई को हम इसमें ऑयल में डाल देते हैं। तो ये अच्छे से चटकने लगी है, तो अब हम इसको इस बैटर में डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इसमें। तो बैटर हमारा बन गया है, तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो अब मैंने यहाँ पर गैस ऑन करके एक अप्पे पहन लिया है और इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं, एक एक बूंद।
इनको अच्छे से ग्रीस कर देते हैं। तो अब हमने जो बैटर बना के रखा है उसमें से हम एक एक स्पून भर के हम इसमें बैटर डाल देते हैं। तो ये मैंने इस तरह से बैटर डाल दिया है। तो अब हमने जो बॉल्स बना के रखी हैं उनको हम इसमें इस तरह से रख देते हैं बॉल्स को। तो इस तरह से मैंने बॉल्स को इसमें रख दिया है। अब हमने जो बैटर लिया है उसको हम फिर से इसके ऊपर डाल देते हैं। तो अच्छे से हम इसको कवर कर देते हैं बॉल्स को। तो इस तरह से मैंने इनको डाल दिया है। तो अब हम इसको कवर करके इसी तरह से 5 मिनट के लिए सिकने के लिए छोड़ देते हैं। तो इसको सिकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, आप देख सकती हैं इसका कलर ऊपर से चेंज हो गया है। तो अब हम इसको पलट देते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको पलट दिया है, कितना अच्छा सा इसका कलर आ गया है नीचे से। तो इस तरह से मैंने इसको एक साइड से सेक लिया है। आप देख सकती हैं कितना बढ़िया इसका कलर आ गया है। तो इसी तरह से हम इसको फिर से कवर करके 5 मिनट के लिए और सेकने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये देखिए, ये अच्छे से दोनों साइड से सेक चुके हैं, अच्छे से इनका कलर आ गया है दोनों साइड से, ये देखिए। तो अब हम इनको निकाल देते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया ये सिक चुके हैं दोनों साइड से। तो इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए भी सेक लेंगे। तो अब हम इनको भी इसी तरह से कवर करके दोनों साइड से सेक लेते हैं। तो ये देखिए, इनको भी मैंने दोनों साइड से अच्छे से सेक लिया है। आप देख सकती हैं इनका भी दोनों साइड से अच्छे से कलर आ चुका है, देखिए ये भी कितने अच्छे से सेक चुके हैं दोनों साइड से। तो अब हम इनको भी बाहर निकाल देते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने सेक लिए हैं, तो मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितना ही अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत ही अच्छा नाश्ता बनाया है, देखिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।